अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ आपको बजीज जोन में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है समर सीड स्मिथ, समर में जो हम सीड देते हैं उसके ऊपर आज आप बात करेंगे कि किस किस्म की सीड देने चाहिए, समर के अंदर किस किस्म की सीड बनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं फ्रेंड। ये है मोती कंगनी जो मैंने 3 पाव के खरीद ले लिए, 1 किलो में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग कम परिंदे पालते हैं तो कम से शुरुआत करेंगे। मैं ज़्यादा बनाता हूँ वैसे तो, अगर ये मैं कम के ऊपर वीडियो के लिए बना रहा हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। ये है मोती कंगनी, मोती कंगनी की तासीर है ठंडी और इसलिए हमने ये ज़्यादा गर्मियों में देनी है। और ये दूसरी तरफ है ये जवी फीस है, जवी फीस जो है ये आपने थोड़े से ले लेना है, वो भी ठंडे उसकी तासीर है। और बाजरा जो है बाजरा भी थोड़ा सा ले लेना है, बाजरे की तासीर गर्म है मगर फिर भी हम जो परिंदे खाते हैं थोड़ा वो सर्दियों में बाजरे की तासीर बढ़ा देते हैं, इतनी हो जाती है इतनी कंगनी की, मगर गर्मियों में जो है ना कंगनी की तासीर ठंडी होती है तो इसलिए हम ज़्यादा ही देते हैं। अगर गर्मियों में गर्म चीज देंगे तो बर्ड्स को मोशन लग जाएंगे, हीट में आ जाएंगे बर्ड्स, इसलिए हम ठंडी वजह देंगे बजीज को। तो चलिए मैं बनाता हूँ 1 किलो सीड, 1 किलो सीड बना रहा हूँ मैं। ये आपके दही चले गए इसमें और ये आपका बाजरा है, ये बारीक बाजरा यूज कर रहा हूँ मैं। एक मोटा बाजरा आता है एक बारीक आता है, क्योंकि बजीज तो बारीक ही खाते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको बना लें। तो ये है ठंडा, ये गरम गरम सीड मिक्स नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन साबित होगी गर्मियों में, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा बीज इसमें ज़्यादा है नहीं। और गरम ये बाजरा ही होता है ज़्यादा, और सनफ्लावर को हमने बिल्कुल जो सनफ्लावर सीड को ख़त्म कर दिया है, गर्मियों में नहीं देते हैं सनफ्लावर सीड, और सिर्फ सर्दियों में सनफ्लावर यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी सीड तैयार हो गई है, ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसको दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो इजाज़त दें फ्रेंड्स, अमान अल्लाह।